हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। चलिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं और समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें क्या खास सीखने को मिलेगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो रहा है, यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया सिनेरियो देखने को मिलता है जो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब हमें कंडीशन देनी है, कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर हमें देना है नंबर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने नंबर। अब ये फील्ड का नाम ही हमने नंबर दे दिया है, यहाँ पर हम नंबर ही इनपुट करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पर हम नंबर लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर डेटा टाइप को चूज कर लीजिए और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो आप चाहे तो क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके वहाँ से भी लगा सकते हैं, और चूंकि 2016 यूज कर रहा हूँ तो यहीं पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक मैं फील्ड ले लेता हूँ कंडीशन, ठीक है, क्या लेता हूँ कंडीशन। तो ये कंडीशन में आने के बाद यहाँ पर हमको कैलकुलेटेड चूज कर लेना है। अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो यहाँ से क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके वहाँ से आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी एक्सप्रेशन बिल्डर की, और यहाँ पर हमको कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या देना है, यहाँ पर लिखना है नंबर, क्योंकि इस फील्ड को नाम दिया हमने नंबर, ठीक है। तो नंबर दे दिया हमने और ये यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं कंडीशन देने के लिए, एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि आई इफ़ लगाना होगा। आपको इफ़ नहीं लगाना, आपको आई इफ़ लगाना है, ठीक है। आई इफ़ लगाएंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेंगे द नंबर इज लेस देन, ठीक है, लेस देन कितना कह देते हैं, लेस देन कह देते हैं 50, ठीक है, कॉमा। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, अगर ऐसा हो तो यहां पर प्रिंट हो जाए 50 और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन में यहां पर ये सेल ब्लैंक रह जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहां से जब ओके करेंगे और यहां से जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर कुछ इनपुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट करता हूँ मैं 30, ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप 50 आ गया कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इंटर करता हूँ 40 तो यहाँ पर भी 50 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और एंटर करता हूँ, लाइक 67 एंटर कर देता हूँ तो ये सेल ब्लैंक रह जाती है, देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 100 एंटर करता हूँ तो भी ये सेल ब्लैंक रहती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 40 एंटर करता हूँ या 43 एंटर करता हूँ, ऐसे कुछ एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि 50 आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।